एचएनटीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं सबदेश निशाल दोपहर की बात में स्वागत करता हूं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में 8 और कोरोना के मरीज आए, संख्या पहुंची 278 के करीब। जलंधर में पकड़ा गया हाई प्रोफाइल जुआ, वेरका मिल्क प्लांट के पास पुलिस ने की छापामारी। बताया जा रहा है कि 18 लाख के करीब नकदी बकरी है। इस दौरान जलंधर और अमृतसर के कई जुआरियों को पकड़ा गया है। शिवसेना बाल ठाकरे के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि उनके घर बाहर खड़ी गाड़ी के ऊपर किसी ने जान से मारने की धमकी की भड़ा पत्र चिपकाया गया है। की मुख्यधारा मंडी में बिना मंजूरी के लगी हुई थी फड़िया, जिसे पुलिस ने खदेड़ा। आज फड़ी वर्ग को फड़ से उठाया जा रहा है, इनको मना किया जा रहा है कि फड़ियां जो आज फड़ पे नहीं लगने दी जा रही, क्योंकि अभी तक कोई भी परमिशन जो मार्केट कमेटी की तरफ से नहीं आई है, और जो भी फड़ियां हैं सब फड़ से उठाई जा रही हैं, क्योंकि मार्केट कमेटी की तरफ से कोई भी परमिशन जो अभी है इनको फड़ लगाने की नहीं मिली है। जलंधर नगर निगम के ठेकेदारों की करोड़ों की पेमेंट पेंडिंग, 6 करोड़ पे पेंडिंग के साथ साथ कई बिल भी गड़े हैं पेंडिंग। जलंधर की मुख्यधारा मंडी में आरती और फड़ी वालों में हुए विवाद के बाद पुलिस नाक कर दी गई, जिसके चलते आज तड़क सार पुलिस वालों की ओर से सिर्फ उन लोगों को अंदर आने दिया जिसके पास पास थे। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। बिना पास के नहीं कोई एंट्री। अंदर आओ के आ जाओ। जलंधर नगर निगम व यूनियन में होने वाला टकराव आज टल गया। मेयर एडहॉक कमेटी यूनियन नेताओं के बीच आज मीटिंग हुई, जिसके बाद 23 मांगों पर लिखित तौर पर समझौता हुआ, जिसके चलते 10 तारीख को होने वाली हड़ताल भी स्थगित कर दी गई। गोभक्तों की संत समाज की देखरेख में हुई मीटिंग, इस दौरान कई चीजों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान संत कृष्णानंद जी महाराज, संत रविनंदन जी महाराज, कीमती लाल भक्त व अन्य कई गणमान्य उपस्थित हुए, जिन्होंने अपने अपने विचार पेश किए। हर जगह जो भी ट्रक फंडे ने साढ़े नाल गुलशन जी ने आजाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी व बिजली बोर्ड का पुतला फूंक करके रोष प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जो नया बिजली एक्ट लाया जा रहा है उसे रद्द किया जाए। पीजीआई के प्रोफेसर व उनकी पत्नी भी आई कोरोना पॉजिटिव। ये थे अब तक के समाचार। नए समाचार लेके होंगे जल्द हाजिर। तब तक के लिए कैमरामैन ब्रजेश के साथ दी मुझे इजाजत।